फॉर्मेशन ऑफ CaS. कैल्शियम का हमें पता है हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2. इसका मतलब कि हमारा जो कैल्शियम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. और नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. सल्फर के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम देखेंगे कैसे कैल्शियम और सल्फर जो है वो आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब होगा क्या कि जो हमारा कैल्शियम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर को दे देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CaS. लेकिन आयनिक बॉन्ड में हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, चार्जेस जो हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं. तो हमारे पास कैल्शियम था, कैल्शियम ने 2 दिए हैं, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, 2 प्लस का. और सल्फर ने कैल्शियम से 2 लिए हैं, मतलब उसने गेन किए हैं कैल्शियम से, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा. तो हमारे पास बन के आ गया हमारा CaS. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.